और वो बेस्ट शूज हैं ब्रो, कितना भी घिस दो चड्डी घिस जाती है ब्रो, वो जूता नहीं घिसेगा आपका, ठीक है? और घिस भी गया तो आपके रुपए पूरे वापस मिलने हैं उसमें। यो व्हाट्स अप गाइस, आई होप सो यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल और आप सभी ठीक होंगे भाई, ठीक है? तो इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, थंबनेल वैसे आप देख चुके होंगे, ठीक है, अगर आपने देख लिया है। और भाई अगर आप पर्टिकुलर इसी शूज की वीडियो देखने आए हो तो लेट्स गो यार, वही बताने वाला हूँ, सेम बात है, ठीक है? तो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम रविंद्र सिंह नेगी एंड यू गाइज आर वॉचिंग टेक पहाड़ी चैनल। तो भाई मजे की बात यह है, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ बताता हूँ आपको, ठीक है? मजे की बात यही है, तो बेस्ट शूज अंडर 2000 रुपीज़ कौन से होने वाले हैं। अब आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो भाई आप मेरे पे आर्ग्यू करोगे कि ब्रो तूने डीकैथलॉन के ऊपर बनाया था कि बेस्ट शूज़ वो हैं 2000 रुपीज़ वाले और मैंने वो ले लिए हैं, अब तू मेरे पैसे वेस्ट कर रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो बेस्ट शूज़ हैं ब्रो अभी तक के, ठीक है? 1599 रुपीज़ के वो शूज़ हैं, पूरे रिफंड वगैरह आपको मिलते हैं, उसमें थ्रेडिंग वगैरह फटती है, बेस्ट शूज़ हैं। बट ये जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ना भाई, बेस्ट शूज़ अंडर 2000 रुपीज़ बास्केटबॉल के होने वाले हैं। या तो आप इधर उधर जाते हो थोड़ा पहनने के लिए, आपको फैंसी लुक चाहिए तो लेट्स गो विद दिस शूज़ यार भाई, क्योंकि वो रनिंग के लिए हैं भाई, ठीक है? और वो बेस्ट शूज़ हैं ब्रो, कितना भी घिस दो चड्डी घिस जाती है ब्रो, वो जूता नहीं घिसेगा आपका, ठीक है? और घिस भी गया तो आपके रुपए पूरे वापस मिलने हैं उसमें। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक मार दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार भाई, प्लीज़ यार भाई, ठीक है? और नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक मार देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, फॉलो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको पसंद नहीं आती वीडियो तो इट्स ओके फॉर मी यार भाई, ठीक है? तो लेट्स गो और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 80,000 के शूज़ हैं, तेरा पूरा घर जाएंगे इसमें। मजाक कर रहा था भाई, जो के सवार, ठीक है? तो ये रहा अपना कुछ शूज़ का डब्बा यार, और ऐसा कुछ शूज़ दिखता है, निविया की ब्रांडिंग आप देख चुके हैं, तो निविया का यार यहाँ पे शूज़ होने वाला है। और शूज़ का नाम आई थिंक मॉडल इसका कॉम्बैट 2.0 है, तो आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, तो आपको दिखा देता हूँ यार। ये रहा कुछ फ्लिपकार्ट की पॉलीथीन वगैरह, और ये रहा इसके अंदर एक सिलिका जेल आया था, ठीक है? सो ये रहा सिलिका जेल, और भाई इसके अंदर बिल नहीं आया था, वो मेरे को काफ़ी बेकार लगा, बट इट्स ओके यार, ठीक है, लेट्स गो। तो बिल नहीं आया था मेरा इसके साथ, बट आपका क्या पता आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है? तो ये रहा कुछ यार ऐसा कुछ डब्बा यहाँ पे दिखता है मेरे को, और निविया की ब्रांडिंग दे रखी है, और जूते का नाम है कॉम्बैट 2.0, लिंक दे दूंगा नीचे भाई, ले लेना अगर आपको वहाँ से लेना है, नहीं तो आप मतलब अपना जा सकते हो, एफिलिएट लिंक नहीं है, ठीक है? तो आप ईजिली अपने से ले लेना। तो ऐसा कुछ शूज़ यहाँ पे दिखता है ब्रो, और जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। तो ये लो खुल गया शूज़, और खोलते हैं भाई, निकालते हैं इसको, लेट्स गो। तो ऐसा कुछ यार शूज़ होने वाला है, दोनों को मैं एक को हाथ में ले लेता हूँ और दूसरे को फेंकता हूँ उस तरफ। भाई भागो यहाँ से, डब्बे को रखता हूँ साइड में, बड़ा बच्चा। ओके सो गाइस, ये रहा अपना शूज़, एक जूता मैंने उधर रख दिया साइड में, ठीक है? और इसकी करते हैं अपन अनबॉक्सिंग। और भाई सबसे पहले इसकी इन हैंड फील बताओ ना, बहुत ही सही लग रहा है भाई, ठीक है? बहुत लाइट वेट है, अभी तो इसके अंदर की कूड़ा डाला हुआ है, इस कूड़े को निकालता हूँ पहले भाई। ये कूड़ा जो भी माल मटेरियल रखा है इन्होंने, इसको निकालता हूँ साइड में, करता हूँ उधर फेंकता हूँ, आग जलाने के काम आएंगे, ठीक है? तो ये रहा यार कुछ शूज़, और ब्रो पति सही है, ठीक है? अराउंड 200 ग्राम या 190 ग्राम एक शूज़ पर शूज़ दे रखा है वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे, जैसे कि इन्होंने बताया है, पर सिंगल पेयर यार 190 ग्राम है, और काफ़ी सही है, ठीक है? आई थिंक रुको मैं आपको दिखा देता हूँ 190 ग्राम कितना होता है। ये मेरा पोको F1 है, तो ये 180 ग्राम है, ठीक है? और भाई ये भारी लग रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी सही लग रहा है शूज़, ठीक है? क्योंकि वेट जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, एंड लेट्स गो यार, ठीक है? ये रहा कुछ शूज़, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि इसको आप इजीली पार्टी वगैरह में पहन सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो यार यहाँ पे आप इजीली इसको पार्टी वगैरह में ले जाओगे तो बहुत सही शूज़ लगेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? अब बस इसका रंग काला है, इसलिए थोड़ा सा शायद ऑफ लगे ड्रेस के साथ, बट वैसे तो काफ़ी सही लगने वाला है। और यहाँ पे निविया की ब्रांडिंग देख सकते हो आप, वैसे बास्केटबॉल के लिए भाई, कहीं ले जाना मत इधर उधर, अगर आप बास्केटबॉल रेगुलर खेलते हो तो बास्केटबॉल के लिए खेलो ईजिली, ठीक है? सिंथेटिक कोट में ईजिली खेल सकते हो आप इससे। और नीचे से ऐसा कुछ ग्रिप दिखता है इसका, यहाँ पे ड्यूअल टोन दे रखा है बेसिकली, यहाँ पे एक प्लास्टिक दे रखा है एंड देन रबर, ठीक है? तो ये प्लास्टिक है जो यहाँ पे शाइनी आपको लुक दे रहा है, एंड ये रहा आपका रबर, और काफ़ी सही है नीचे से, ठीक है? काफ़ी यहाँ पे, और इसके अगर मैं पोर्स की बात कर लूँ ब्रो, जो स्वेट के लिए दे रखा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम भाई हर जगह, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ब्रो, ये तो मैंने मद्रास की एक्सेंट में बोल दिया, बट ऐसा कुछ है, ठीक है, केरला एक्सेंट में। तो ऐसा कुछ रहने वाला है शूज़ यार, और यहाँ पे निविया की ब्रांडिंग, और यहाँ पे साइनी लुक आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? तो आई नो यार ये साइनी लुक आ रहा होगा, और यहाँ पे भी यार ये शायद थोड़ा सा
जो ईसाई ने यहाँ पे रेडियम वगैरह दे रखा है शायद, यहाँ पे भी निविया की ब्रांड नहीं दे रखी है ठीक है। और ब्रो ये जो यहाँ पे दे रखा है ना यार, ये पॉलिशिंग जो दे रखी है इसकी काफ़ी सही लग रही है मेरे को। यहाँ पे हल्की सी आप देख सकते हो पॉलिशिंग वगैरह है ठीक है सब चारों साइड से, और यहाँ पे भी थोड़ी सी पॉलिशिंग है तो काफ़ी सही लग रहा है। स्वेट के लिए ऊपर से भी दे रखा है ब्रो यार, रियली भाई मानना पड़ेगा निविया वालों के लिए काफ़ी, मतलब प्राइस के रेंज के हिसाब से काफ़ी सही शूज़ बना रखे हैं इन्होंने। एंड लेस की बात करूँ यार, लेस मेन पॉइंट रहता है भाई, मैंने काफ़ी सारे शूज़ देखे यूज़ करके, लेस इतने बेकार रहते हैं ना भाई उनके ठीक है, और बहुत गंदे से लेस देते हैं यार लोग, और फिर बाहर से लेना पड़ता है तो मिसमैच कर जाते हैं इससे लेस वगैरह जितने भी रहते हैं, और वहाँ पे यार लेस बिल्कुल भी सही नहीं लगते मेरे को उनके, बट इसमें सही है यार ठीक है, इसमें आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है लेस के साथ, काफ़ी सही जाने वाले हैं ठीक है। और ऐसा कुछ निविया के अंदर ब्रांडिंग दे रखी है तो आप देख सकते हो। ओके सो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर वीडियो की भाई कंफर्ट बताओ ना ब्रो, भाई कंफर्ट मेन चीज़ है ठीक है। बाहर से तो यार दुल्हन भी अच्छी लगती है बट अंदर तो ब्रो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ कंफर्ट के बारे में कि कंफर्ट कैसे रहने वाला है। तो कंफर्ट यार काफ़ी सही लग रहा है मेरे को क्योंकि पैडिंग यार मेन चीज़ रहती है ठीक है, और जो कि इसमें अच्छी सी लगी मेरे को क्योंकि काफ़ी मैंने जूते देखे हैं भाई पैडिंग इतनी बेकार रहती है उनका, टेढ़ी मेढ़ी पैडिंग रहती है भाई उसमें, और वही मेन रीज़न आ रहा है आपका जूते के जो तलबे भाई आपके मतलब जो पाँव के तलबे रहते हैं दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा, बट इसमें काफ़ी सही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अच्छा दे रखा है आपको ठीक है। और शायद रिमूवेबल पैडिंग है, आप धो सकते हो उसको, तो चिपका हुआ है थोड़ा बट निकल सकता है इजीली ठीक है अगर आप अच्छे से निकालोगे, अभी नया जूता है चिपका हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवेबल पैडिंग है और काफ़ी अच्छी, आप अंदर से धो सकते हो इसको और काफ़ी सही रहने वाला है ब्रो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, मतलब हार्ड भी होना चाहिए ब्रो क्योंकि फिर अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो बहुत ज़्यादा पाँव दर्द करते हैं फिर, बट इसमें थोड़ा ठीक है यार मतलब मीडियम है ये, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। एंड अंदर कुछ ऐसा भी दे रखा है यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह दे रखी है कि कितना साइज़ वगैरह है निविया की ब्रांडिंग वगैरह ठीक है। तो होप्स यार आपको कम्फर्ट के बारे में पता चल गया हुआ, एंड लेस की क्वालिटी सही, मैं पहले फिर से बताता हूँ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लेस की, और जूते की क्वालिटी भाई ब्रो क्या ही बताऊँ ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये इसका डिज़ाइन इतना उबड़ खाबड़ है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया नीचे गया, बट जो इसका गोंद का यहाँ पे इन्होंने चिपका रखा है ना गम सोल, जो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, एंड उसके नीचे से फिर सिलाई दे रखी है इन्होंने ब्रो, सिलाई दे रखी है क्या? नहीं नहीं सिलाई नहीं दे रखी क्योंकि यार यहाँ पे रबर है तो रबर से सिलाई कट जाएगी ठीक है, बट जो इन्होंने गम सोल यहाँ पे दे रखा है ब्रो रियल यार मानना पड़ेगा, आप देख सकते हो बहुत ही नज़दीक से दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं से डिटैच हो रखा है ठीक है, सारी जगहों से परफेक्ट है। एंड भाई सही है यार, बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेटर है ब्रो। एंड ब्रो आप यहाँ से देख सकते हो भाई इन्होंने यहाँ पे भी सिलाई कर रखी है ठीक है, जो कि काफ़ी सही बात है ब्रो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ नहीं करती, और निविया रियली नो यार कि क्या करना चाहिए भाई कस्टमर के साथ ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिलाई है हल्की सी अगर आपको दिख रहा हो, और ब्रो ये यही मेन रीज़न होता है कि जूता फट जाता है यहाँ से ठीक है, यहाँ से आपने कहीं जूते देखे होंगे यहाँ से निकल जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिलाई लगी हुई है देन ऊपर से गम चिपका रखा है ब्रो, कहाँ से कोई भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपके जूते की यहाँ से ठीक है। ओके सो काफ़ी लोग लुके होंगे यार कि प्राइस बताओ भाई प्राइस बताओ ठीक है, तो प्राइस बताएंगे ब्रो, तो 1852 रुपीज़ कुछ इसकी प्राइस चल रही है अभी करंट, और आप देख सकते हो इजीली, और भाई ये शायद मैंने मंगाया था 1900 रुपये ऐसा कुछ का मंगाया था भाई आई थिंक सो यार ठीक है, और महंगा पड़ गया है थोड़ा सा मैं जानता हूँ, बट इसकी प्राइस मैंने बहुत फ्लक्चुएट होते हुए देखी है ब्रो, 1500 रुपये कल देखी थी मैंने, समय 1500 या 1600 रुपये समथिंग ठीक है। एंड इसकी अगर मैं लोएस्ट प्राइस निकालने जाऊँ ना भाई तो इसकी लोएस्ट प्राइस मैं बताऊँ कितने की है, 1454 रुपीज़ ब्रो, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, कोई ऑफर चल रहा हो ना थोड़ा सा भी ऑफर चलता है तो इसमें इजीली ये प्राइस कम हो जाती है इसकी, तो इजीली आप वहाँ से ले सकते हो। रेटिंग इसमें 4.1 की रेटिंग है भाई ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हो इजीली यहाँ पे मतलब 1852 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस है, एंड कलर इसमें एक ही मिलता है आपको, तो अगर आपको इसको लेना है तो भाई आप इजीली कम प्राइस में ले सकते हो, एंड दैट्स इट यार वही हो सकता है इसमें, नहीं तो और कोई वो चारा नहीं है ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा आपको, इजली वहाँ से चले जाना और खरीद लेना, कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, नहीं तो आप अपने से भी खरीद सकते हो ठीक है गाइज। सो आई होप सो गाइज यार आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को यार पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार, एंड अच्छा लगा हो तभी करना ब्रो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार कोई भाई आपको मतलब मैंने ज़बरदस्ती नहीं कर रहा ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।